कोई भी उनसे नहीं टकराना चाहता, उनको काफी इजी किल्स मिल सकते हैं वहां पे। और ये दोनों टीम के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ब्लू जोन धीरे धीरे करके क्लोज इन होगा और इनको गेम से बाहर निकालेगा। सोल के रेगल टॉस यहाँ पे नॉकडाउन हो गए थे, सांगवान फिनिश हुए थे थोड़ी देर पहले रेगल टॉस को वाइप और रिवाइव देते हुए। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले फाइट देखी थी पावर हाउस की वर्सेज जो उनके सामने टीम थी, और पावर हाउस के पास एक काफी अच्छा एडवांटेज था मार्कोस गेमिंग के अगेंस्ट, जो मैंने बात करी थी कि स्प्लिट पे चल रहे थे। बट यहाँ पे स्प्लिट की अगर बात करें तो मॉर्टल के ऊपर गोलियां आती हुई उनको नॉकडाउन किया जाएगा, टीम तमिला स्ट्राइक करती हुई मिस्टर स्प्रे नॉकडाउन हुए थे। एंड आई गेस यहाँ पे वाइपर अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए एज जो टीम तमिलास थी वो फिनिश होती है। बिल्कुल, इन तीन के लिए यहां पे वाइपर ने निकाले विद डोमिनेशन दोनों प्लेयर को यहां पे बचाया, वो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन में अपडेट हो जाएगा वो ग्राफिक्स भी, बट यहां पे डोमिनेशन आप लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड में। अब दोनों दोनों प्लेयर को यहां पे मिल जाएगा रिवाइव। बैड रेव यहां पे सीजी को पूरा फिनिश कर चुके हैं, बट एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी, टीम सिनर्जी बाहर कर पाएगी टीएसएम एंटिटी को। बट वहां पे स्ट्राइडर ने यहां पे नियो को नॉकडाउन करा, बट ट्रेड में जी गॉड ने स्ट्राइडर को नॉकडाउन कर दिया। दोनों टीम्स के एक-एक प्लेयर नॉकडाउन, स्ट्राइडर हालांकि बहुत ज्यादा दूर है, कोई वहां पे रिवाइवल्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यहां पे क्लोज इन होता हुआ धीरे धीरे फ्री फायर यहां पे मिलता हुआ जॉनथन वहां पे ऑलमोस्ट नॉकडाउन होते रहेगा। बट यहां पे जी गॉड ने दो प्लेयर को ट्रेड एंड सीर भी दोनों को नॉकडाउन करते विद इन द सेम स्प्रे। जॉनथन यहां पे रिवाइव देंगे नियो को, दैट मींस रीमेन स्क्वाड यहां पे भी वापस आ सकते हैं। जी गॉड इसके बाद रिवाइवल मिलेगा, बट पीछे से मेगा स्टार्स आती हुई स्टेप बैक करने के लिए टीएसएम एंटिटी को, एक ग्रेनेड ऑलरेडी आ चुका है। जी गॉड को तो यहां पे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल, बट यहां पे वैक्सी आते हुए 1v2 की सिचुएशन यहां पे प्रोन डाउन होते हुए सही टाइम पे, बट यहां पे वैक्सी ने एक प्लेयर निकाल दिया जॉनथन को, दूसरा प्लेयर देखते हैं यहां पे निकाल पाते नहीं। नियो यहां पे 1hp बचेंगे, क्या स्वैग और पैराडॉक्स निकाल पाएंगे नियो को बाहर, बिकॉज दैट इज यहां पे टीएसएम एंटिटी बाहर होती हुई। वैक्सी को यहां पे मिलेगा रिवाइव, एक अच्छा कवर भी बना हुआ है टीएसएम एंटिटी 5 किल्स के साथ सातवें पायदान में बाहर होते हुए, और कॉर्डल स्मोक की ओपी। बैड रेव को उन्होंने नॉकडाउन करा, फिनिश करा, एक किल अपने नाम करा। सीरवी यहां पे अपने पैरों पे वापस से खड़े हो चुके, स्ट्राइडर को देखते हैं यहाँ पे रिवाइवल मिलेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा दूर है, आई डोंट थिंक सो कि वहां पे रिवाइवल देंगे। बट वहां पे कापसी को भी नॉकडाउन करा गया, इवन आई पूरे फिनिश हो चुके हैं सिनर्जी टेड के द्वारा। ये फाइट INES सेंटर में रह के गवा बैठे, बिकॉज हर साइड से सारी टीम उनको कर रही थी टारगेट। कापसी यहाँ पे फिनिश होते हुए नजर आएंगे, बट स्ट्राइडर सामने देख सकते हो आप, वो भी ब्लीड आउट हो जाएंगे थोड़ी देर में। INES यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, सेल्स के अल्ट्रॉन INES के मशीन को पूरा फिनिश कर चुके हैं, सेल्स के अल्ट्रॉन खुद नॉकडाउन होते हुए। ऊपर से मेगा स्टार्स का स्क्वाड किल्स अपने नाम बट होता हुआ, पैराडॉक्स ने वो किल निकाला एमजे का। एंड ये डासिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओपन जोन थोड़ी देर में हो जाएगा रोड साइड पे, तो आपको व्हीकल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, और यहाँ पे इस गेम के अंदर अभी फिलहाल बात करें तो चार टीम्स हमारे पास बची है। सिनर्जी और मेगा स्टार्स के एक एक प्लेयर जो है वो नॉकडाउन हो चुके हैं, गॉडलाइक के सिर्फ दो प्लेयर्स इस गेम में जिंदा बचे जो एग्जिस्टेंस और स्मोकी है। और टीम हाइप की तरफ से प्रोटोटाइप अभी भी किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, धीरे धीरे एज के साथ मूव इन करते हुए अपने आप को और अपनी टीम को इस गेम में जिंदा रखे हुए। टीम हाइप काफी ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं 11 किल्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बट ऑस्टिन का ये वाला मूव मेरे को समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा एक योलो मूव था वहां पे। टेड सामने स्पॉट हुए 100 एचपी हालांकि उनकी, बट ऑस्टिन एक अलग ही ऑपोजिट साइड पे जाके प्रोन डाउन हुए, आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट पोजीशन, बट वहां पे एग्जिस्टेंस एक ग्रेनेड फेंका उन्होंने, देखते हैं यहां पे कनेक्ट होते हैं, बट डैमेज दिया हालांकि। ऑस्टिन वॉर्टेक्स यहां पे जरूर स्पॉटेड रहेंगे, बट गॉडल के प्लेयर्स वो लोग ट्राई करेंगे कि ये जो पोजीशन है ऑस्टिन की वो कॉन्कर कर, बट एक बहुत बड़ा डिस्टेंस इन लोगों को कवर करना पड़ेगा। एक्सिस्टेंस के बाद यहां पे चार फोर्स्टेड्स हालांकि ही कैन डू हील बैटल, बट ऑलरेडी सारी टीम्स यहां पे जोन के अंदर है, तो वो थोड़ा सा एक गिवअप वाला चांस वहां पे बना सकते हैं गॉडलाइक अपने नाम। बट यहाँ पे स्मोक ओपी को नॉकडाउन करा है मेगा वैक्सी ने ऊपर से, एंड यहाँ पे पैराडॉक्स भी स्पॉट हो चुके हैं ऑस्टिन बॉटल के। बट यहाँ पे सिनर्जी के टेड ये कहाँ पीछे रहने वाला है, पैराडॉक्स को नॉकडाउन करा, एट द सेम टाइम सीरवी का स्प्रे आता हुआ पैराडॉक्स को पूरा फिनिश करा। टेड यहाँ पे आते हुए 3 किल के साथ डोमिनेशन में फाइनल सर्कल, चार टीमें 7 प्लेयर्स अलाइव हमारे सामने। सिनर्जी के टेड 3 किल्स हैं G36 CS प्लेयर्स के पास, एंड जोन के अंदर जाने के लिए डासिया के साथ मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बट जहां पे स्मोक है क्या यहाँ पे प्रोटोटाइप रन ओवर हो सकते हैं, ओह यस ही रन ओवर हिम, एंड यहाँ पे हाइप का स्क्वाड 11 किल्स के साथ इस वाले मैच में बाहर जाते हुए। बट एक चीज स्मोक में दैट वाज अ रैंडम रन ओवर, प्रोटोटाइप क्या गोली वोली चला रहे थे वो, और वाज ही जस्ट लाइंग देयर, ही वाज जस्ट लाइंग ओवर देयर, उनके पैरों को ऊपर से निकाल, उनकी बॉडी भी वहां पे नहीं थी, बट किंग एग्जिस्टेंस ही वाज द लास्ट मैन सर्वाइवर ओवर देयर, हेड वहां पे दिख रहा था क्या कलेक्ट कर सकते हैं। बट यस, ऑस्टिन वॉर्टेक्स ने वापस से अपनी टीम को मैच के अंदर जगह बनाते हुए 1v3 का सिचुएशन है, जहां पे अब वैक्सी सिर्फ अकेले जिंदा है, बट बाहर से टेड की एडीएस में आके एंड फिनिश हो जाएंगे। दैट वाज अ ग्रेट मैच फॉर अगेन टीम सिनर्जी। वीकेंडी का नाम